ओके हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? व्हाट इज दिस? सो आई एम राइडर संदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम बोलने वाला हूँ कि रेसिंग राइडिंग में सेफ कैसे रहे, जैसे कि हम लोग रेस करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। हम लोग रेस करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, वो उससे हम लोग कैसे सेफ रहे हैं? जैसे कि हम लोग रेसिंग वगैरह करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहता है, लेकिन अगर आप लोग रूल के अनुसार चलो तो रिस्की भी आपको आसान लगेगा। तो चलिए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिससे रेसिंग आप लोग अच्छी तरीके से कर सको रोड पे और एक्सीडेंट ज़्यादा ना हो और लोगों को रेसिंग लगे मगर डेंजरियस ना हो। तो यार धूप आ रहा है, तो ठीक है यार चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो डिस्टेंस मतलब डिपेंड ऑन योर ब्रेक। मान लो आपका ब्रेक 60 के स्पीड में यहाँ तक रुक सकता है तो आप लोग गाड़ी को यहाँ पे रहने दो। मानो मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मेरे गाड़ी के हिसाब से मानो मैं 100 स्पीड के जा रहा हूँ, मैं अपना डिस्टेंस यहाँ पे रखूँगा। मतलब यहाँ पे जब कोई गाड़ी रहेगा तो इससे करीब मैं नहीं जाऊँगा, बस इतने ही रहूँगा। जब ओवरटेक करना हो तो वो बात अलग है, लेकिन वो पहला टिप्स था कि डिस्टेंस बनाए रखो गाड़ी, इस गाड़ी से उसका आगे का गाड़ी का डिस्टेंस। और मेन जो गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि सिटी में मानो हम लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे ऐसे रैप मार के निकलते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मानो एक भी छोटी सी गलती हो गया तो आप लोग वहीं पे गिर जाएंगे, गाड़ी आपके ऊपर फिनिश। वो नहीं करना है, जो कि प्रोफेशनल रेसर होते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ खाली रोड में ही रेस करते हैं। और आप लोग, और ये पहला टिप्स जो ख़त्म हो चुका है, तो दूसरा टिप्स ये है कि मानो आपके सामने कोई आके रेस लगाता है तो आपको ये करना है कि उसके साथ बिल्कुल भी रेस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि आप लोग रेस लगा लोगे, वो अगर अपना 70% मतलब क्या यार, वो अपना 70% एनर्जी लेकर रेस से लगा रहा था, अगर आप लोग रेस कर दोगे तो उसका 100% हो जाएगा, जिससे कि वो एक्सीडेंट कर देगा और आपका तो कुछ नहीं होगा, आप लोग रेस कर दोगे लेकिन वो बेचारा जो है मर सकता है, तो उसकी ज़िंदगी आपके ऊपर निर्भर है। तो एक सेकेंड, तो आप उन लोगों के मतलब रेस में और रेस जो है हार जाओगे, क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग अगर उसके रिस्की है वो मर सकता है, जिससे आप लोग आपके बदनामी हो सकता है और आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको वो नहीं करना है। जब कोई रेस आपके साथ लगाए तो आपको उसके इंटरेस्ट में आके उसके साथ रेस नहीं लगाना है। हाँ, आप लोग दूसरों को उसका सकते हो, लेकिन आपको जो कोई उसका है आपको ऐसे पागल नहीं बनना है। हाँ, मानो थोड़ा सा रेसिंग कर, जो भी अगर खाली रोड है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन भीड़ भाड़ में तो बिल्कुल भी मत करना भाई, क्योंकि इससे रिस्की होता है। तो तीसरा टिप्स ये है कि एक सेकंड, सो तीसरा टिप्स मोस्ट थिंक इम्पोर्ट कि वो क्या है, तीसरा टिप्स ये है कि आप लोग मानो रेस लगा रहे हो तो मेन बात पीछे कोई भी मत बिठाना। मानो आप लोग तेज चला रहे हो तो पीछे बिठा कर बिल्कुल भी तेज मत चलाना, ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। आप लोग मानो तेज चला रहे हो, आपको पता है कि मुझे लेफ्ट जाना है, राइट घुमाना है, ऐसे लेफ्ट तरफ लीन करना है, राइट तरफ लीन करना है, लेकिन जो पीछे बैठा है उसका बेचारा बिल्कुल भी नहीं मालूम, ऐसा हो सकता है कि वो आपके गाड़ी से जो है गिर सकता है। आप लोग रह जाओगे लेकिन वो गिर सकता है। मानो आप लोग अचानक से पिकअप दे दिया या फिर अचानक से ब्रेक मार लिया और अचानक से आप लोग ऐसे लीन कर दिया, जिससे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और पीछे बिठा कर तो बिल्कुल भी तेज़ मत चलाना, मेरी मानो तो।
मैं भी वैसा करता हूँ, बिल्कुल भी पीछे बिठा कर किसी को भी रेस नहीं लगाता हूँ कि चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो चलाता हूँ, क्योंकि जो आप लोग आप चलाते हो तो आपकी ज़िंदगी अच्छा है, लेकिन जो पीछे बैठेगा उनके लिए रिस्क है, वो ठीक नहीं रहेगा। मान लो एक्सीडेंट हो गया तो आपको तो कुछ नहीं होगा, आप लोग जानते हो कि आप लोग कहाँ कूदना है, लेकिन जो पीछे है वो मर सकता है। सो पीछे बैठा कर बिल्कुल भी रेसिंग मत करना। और चौथा टिप ये है कि टिप्स ओके सो चौथा टिप्स ये है कि आप लोग जो है क्या मैं सोच रहा था यार, रेसिंग मतलब राइडिंग करते समय राइडिंग गियर तो पहने रहो, ये तो मैं पहले से जानता हूँ और बोलता भी हूँ, कम से कम हेलमेट तो पहना करो जिससे आपके आँखें सेफ रहेगा। अगर बिना हेलमेट के ज़ोर से चलाओगे तो आँखों के लिए नुकसान है, ये मैं भी समझता हूँ, आँखें ख़राब हो सकता है बहुत जल्द। सो चौथा टिप्स ये है कि आप लोग तो स्वागत है मेरे चैनल पे, तो चौथा टिप्स ये है कि क्या यार फिर से भूल गए, कितना बड़ा गधा हूँ मैं। सो चौथा टिप्स ये है कि आप अपनी गाड़ी को जो है वो मतलब अपने लिमिट से ज़्यादा मत चलाना। मान लो आपके पास KTM है जिससे आप उसका टॉप स्पीड 180 है, KTM 390 पे, तो आप उसको मतलब आपका लिमिट 80 स्पीड है तो आप लोग 80 स्पीड से वो हाई बिल्कुल भी मत जाना ब्रो, क्योंकि वो आपको आपका लिमिट से ज़्यादा ले जाएगा जिससे आपको सिचुएशन जो है समझ में नहीं आएगा। सो बिल्कुल भी आप अपने लिमिट से ज़्यादा मत जाना, आप अपना लिमिट समझ लो भाई, कितने में आप लोग रिस्की हो। मेरा एक दोस्त है जिस जो कि मतलब 60-70 स्पीड से ऊपर जाएगा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और मैं जो है मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं कम से कम 200 स्पीड तक कंट्रोल कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और कुछ लोग हैं जो कि 100 स्पीड से 100-105 तक जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जाएंगे तो उसको जो है उनको डर लगेगा और वो समझ नहीं पाएंगे सिचुएशन। तो ऐसा करो कि आप अपने लिमिट से ज़्यादा मत चलाना, चाहे आपके पास जो कोई भी गाड़ी हो, 1000 cc से लेकर 100 cc हो, आप लोग अपने लिमिट से चलाओगे तो बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं होगा। और मोस्ट थिंग जो कि हर किसी के जो कि एक्सीडेंट का मेन पॉइंट होता है वो ये है कि आप लोग जा रहे हो, बीच में क्या आ गया, डॉगी आ गया, फिर गाय आ गया, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब रिस्की होता है। तो इसके लिए एक सोल्यूशन मैं बोलता हूँ, मान लो डॉग गाय और मतलब काव क्या यार बैल और डॉगी के लिए एक सोल्यूशन बताता हूँ। मानो आप लोग जा रहे हो और डॉगी यहाँ खड़ा है, तो आपको कहाँ जाना है, डॉगी यहाँ खड़ा है या फिर इस तरफ जा रहा है, तो आप लोग जा रहे हो तो आपको उसके आगे से निकलना है। अगर गाय जा रहा है यहाँ पे तो उसके पीछे से निकलना है। ये टिप्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटिक है, निकलना है और डॉगी के लिए हॉर्न नहीं मारना है, गाय के लिए भी हॉर्न नहीं मारना है, हॉर्न सिर्फ इंसानों के लिए मारना है। और जो है हाँ, अपना स्पीड को लिमिट को 60 या फिर 40 तक कर दो भाई उस टाइम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, 40 तक कर दिया तो आप लोग रोक सकते हो, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। तो ये था कुछ टिप्स, डॉगी जो है कैसे डंगर है आई कैन सिटी या फिर कॉलोनी जो भी है उस जगह पे बिल्कुल भी तेज मत चलाना, क्योंकि उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे, डॉगी, गाय, कुत्ते और जो बीच बीच में से बालू डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं या फिर गाड़ी खड़ा कर देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, उस जगह पे बिल्कुल भी तेज मत चलाना। हाँ मानो अपना इलाका है, वहाँ पे सब कुछ मालूम है, फिर भी मत चलाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई। सो वो था कुछ टिप्स, और जो है सिटी में तो बिल्कुल भी तेज मत चलाना, इमरजेंसी है तो चलेगा लेकिन इट्स डेंजरियस मैन। सो तो यार इतना ही, ठीक है यार चलते हैं, वीडियो में बस इतना ही, जो भी मुझे मालूम था अपना एक्सपीरियंस था और जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो बोल दिया। और जो है राइड सेव करो और रेसिंग करो भाई, मैं मना नहीं करूँगा, राइडिंग गियर के साथ रेसिंग करो, रेसिंग है तो ज़िंदगी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ठीक है यार,
तो ठीक है यार, चलते हैं। हैव अ गुड डे बॉस एंड गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, आप लोग जो भी समझ लो। बाय बाय।